हमेशा ट्यूसडे को और सैटरडे को हम मंदिर आते हैं, कब होते कभी इतनी भीड़ नहीं होती, पर आज के दिन लास्ट ईयर जो भीड़ थी उससे जस्ट डबल भीड़ है। अंदर आ गए हैं पर अंदर आने के बाद ही बहुत लंबी लाइन है। हमारी परिक्रमा कर रही है। हेलो गाइस, मैं हूं समा खान। मैं हूं सुनील शर्मा। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। सुनील ने पूछा, तुम कब से मंदिर आ रही हो और क्या मंदिर तुम मेरी वजह से आ रही हो या मैंने लाना शुरू किया था? ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनील ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया है, ना ही मंदिर आने के लिए, ना ही पूजा करने के लिए, किसी भी चीज के लिए जो कि सनातन धर्म में होती है। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, ना ही मैंने उन्हें कभी फोर्स किया है इस्लाम के लिए। हम दोनों एक दूसरे का धर्म मानते हैं, दिल से मानते हैं और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के धर्म को सम्मान भी करते हैं। तो एक्चुअली जब मैंने पहली बार मंदिर जाना शुरू किया था तब मैं कुछ आई थिंक 10-12 साल की होंगी, क्लास 4th या 5th था, मुझे याद नहीं है। मेरी फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ज्योति, और उसके साथ मैंने जाना शुरू किया था। मेरे स्कूल के जस्ट पीछे एक काली जी का मंदिर था। सुबह 7:30 का स्कूल होता था हमारा और मैं हम लोग 7:15 तक पहुंच जाते थे। तो हम पहले मंदिर जाते थे और टीका लगवाते थे, कलावा हाथ में बांधते थे। तो जब मैं वापस आती थी तो जो भी मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स थी वो बोलती थी, अरे तुम मंदिर गई हो और टीका लगाया तुम्हारा ये काट दिया जाएगा, तुमने कलावा बांधा है तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसे कि। और उस टाइम आप छोटे होते हो तो मुझे तब भी चीजों पे बिलीव नहीं होता था, पर मैं सोचती थी ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, और उनसे बोलती थी आप भी चलो, तो वो नहीं जाते थे वो लोग। तो तब मुझे ये चीजें समझ नहीं आती थी, पर शायद अब समझ में आती कि कहीं ना कहीं सुनील से मेरा जुड़ाव होना था आने वाले सालों में, मतलब कितने साल बाद, 10 साल बाद होना था, तो शायद इसलिए या जो भी कह लें आप, पर मैं गई हूँ, बचपन से ही मंदिर गई हूँ और मेरे माँ बाप ने मुझे हर एक धर्म का सम्मान करना भी सिखाया है। कभी भी कोई मंदिर मस्जिद पड़ता है तो मेरे पापा ने खुद ही सिखाया था मुझे कि कोई मंदिर पड़े, मस्जिद पड़े, चर्च, गुरुद्वारा, तो आप एक सलाम जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सभी पवित्र स्थल हैं और किसी के धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये मेरी परवरिश हुई है इस तरह से, तो मैं इसीलिए किसी धर्म को ना बुरा कहती हूँ ना बुरा मानती हूँ। हाँ, आपका खुद का धर्म आपके लिए सर्वोपरि होता है, आप उसे रख सकते हैं, पर किसी और के धर्म को बुरा कहना, गलत कहना, वो बहुत गलत बात है। तो वो मेरी फैमिली ने कभी नहीं सिखाई मुझे। तो बचपन में भी जब मैं मंदिर गई तो मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत छोटी मैं जब थी 5-6 साल की, तो मेरे धीरज मामा है, मैं उनके यहाँ कन्या खाने जाती थी बचपन में, तो हमने नवरात्रि में कन्या भी खाई है। तो इसलिए मेरा जो बचपन है बहुत ही ज़्यादा खुली फैमिली, खुले मिजाज वाली फैमिली में बीता है, तो इसलिए शायद मैं इतना ज़्यादा ये हिंदू मुस्लिम हेटरेट या जो भी चीज़ें होती ले नहीं पाती हूँ जो लोग करते हैं कमेंट में आके। उन सब के भी मैं आंसर दूंगी एक वीडियो बना के, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे लिए, बुरे भी अच्छे भी, तो उनके लिए भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। बट आज के लिए सभी लोगों को हैप्पी हैप्पी बर्थडे हनुमान जी का, जिन्होंने भी मनाया है, या जो नहीं जा पाए हैं मंदिर वो हमारे व्लॉग को देख के हनुमान जी का दर्शन कर लें, बिकॉज इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है मलाड में, और जो भी आप इच्छा मांगे वो पूरी होती है। तो आप वीडियो में देख के हनुमान जी से जरूर कोई ना कोई इच्छा मांगिए और हमारे वीडियो को ऐसे ही पसंद करते रहिए। गाइस, मंदिर आ चुके हैं, यहाँ बहुत भीड़ और बहुत शोर है, मुझे नहीं लगता अंदर का फुटेज ले पाएंगे बिकॉज बहुत भीड़ है, फोन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। दीदी भाई इतनी ज्यादा भीड़ होगी लेकिन एक्चुअली बहुत भीड़ है। ये देखिए वहाँ से स्टार्ट है लाइन, ये है। मैं हमेशा ट्यूसडे को और सैटरडे को हम मंदिर आते हैं, कब होते कभी इतनी भीड़ नहीं होती, पर आज के दिन लास्ट ईयर जो भीड़ थी उससे जस्ट डबल भीड़ है, मतलब 1 किलोमीटर की पूरी लाइन लगी हुई है। आई होप हम लोग भी अंदर जा पाए, बट फुटेज तो आपको अंदर का नहीं मिल पाएगा बिकॉज अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। मैं ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा, कोशिश करूंगा, हो सकता है अभी दूसरे मंदिर जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये मंदिर पे इतनी लंबी लाइन तो खैर स्टे करने वाला बेकार है, तो इतना लंबी लाइन तो नहीं लग पाऊंगा। क्योंकि हनुमान जी कहाँ से गए हैं, सारे मंदिर हनुमान जी के, उनके मंदिर में जा भी जाएंगे, हनुमान जी मिल जाएंगे, और नीवा भी बहुत परेशान है, वीडियो देख रहे हैं आप, देख सकते हैं देखो कितना है। भाई एंट्री मिल गई है, सभा भी है यहाँ पीछे, एंट्री मिल गई हमको, अभी लंबी लाइन है, सभा बहुत लंबी लाइन है, अंदर आ गए हैं पर अंदर आने के बाद ही बहुत लंबी लाइन है। ये देख लीजिए बाहर का नजारा, ये बाहर का नजारा, ये अंदर का नजारा है। मेरी समा खान जी हमारी
तैयार है हमारी, इतनी बड़ी टोकरी है, मेरा मुंह छोटा लग रहा है, क्या लाइन में रखो थोड़ा बच्चे हुए पकड़ो। सिक्योरिटी वाले भैया ने रोकी आप, बोला रुको भैया रुको, भाई बहुत भीड़ है कसम से, खतरनाक वाली भीड़ है। अच्छा लग रहा परिक्रमा कराने को नहीं मिलेगा भाई, आज परिक्रमा करने को कहा नहीं मिलेगा। भाई ये चढ़ा के दे, उसके बाद हम लोग परिक्रमा करेंगे। सुनील की पूजा शुरू हो गई है, घंटा हो जाओ, घंटा घंटी तो टच करो, घंटी घंटी को टच करो। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ पंडित जी, आ जाओ पंडित जी, आ जाइए, वी आर वेटिंग, अब सीधा कर लो। फाइनली हमारी पूजा पूजा हो गई भाई, बहुत अच्छे से हुई है। जय आ जाओ ये भीड़ देख रहे हैं आप, भयंकर भीड़ है। अभी समा आ रही है, समा भी आ रही है, समा भी परिक्रमा कर रही है। चलो चलो पहले बिटिया ले लो, थैंक यू, चलो ये नीवा के लिए चले, मेरा बच्चा चलो आ जाओ, सुनो अभी वो ले लेते हैं। ये देख रहे हैं समा भी यहाँ खड़ी है, समा समा पूजा कर रही है यहाँ पर, और ये लोग सब बैठे हुए यहाँ पर। ये मंदिर है, और तो समा कब से मंदिर आना शुरू हुआ तुम्हारा? मेरा अगर एक्चुअल कब से हनुमान मंदिर आ रहा है, ये वाला नहीं आ, चलो ये वाला बताओ। ये वाले मंदिर आते हुए मुझे 10 साल हो गए, और एक्चुअल अगर देखा जाए मंदिर तो मैं फोर्थ क्लास से आ रही हूँ, बिकॉज मेरी सारी फ्रेंड्स हिंदू थी और मैं फोर्थ क्लास से ही मंदिर जा रही हूँ, पर वो काली जी का मंदिर था मेरे स्कूल के पास। बट हनुमान मंदिर मैंने आना शुरू किया है यहाँ आने के बाद। या तुम मेरी वजह से आ रही हो, अपने आप आ रही हो? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ मिली मैंने जब क्लास फोर्थ में थी, तब तो सुनील नहीं थे मेरी लाइफ में, तो मुझे ऐसी रिचुअल्स जगह पे अच्छा लगता है, पीस मिलता है। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं भाई, हाँ नीना वेट कर रही है, नाज बार बार फोन कर रही है, हमें बाहर जाना होगा, बहुत हो गई है, प्रसाद भी मिल गया, प्रसाद मिल गया। चलो ये देखिए भीड़ 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 भीड़, हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर भाई, हम लोग निकला है मंदिर से बाहर। अच्छा है, मंदिर पूजा हो गई है, हम बाहर आ चुके हैं, नीमा हमारा वेट कर रही है बार बार, नाज का फोन आ रहा है, चलिए नाज के पास। हेलो गाइस, तो हम घर वापस आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 11, और मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतनी भीड़ होने के बाद भी एक अलग ही सुकून होता है ऐसी जगहों पे, आप दरगाह जाओ मंदिर जाओ कैसी भी, पीस ही अलग होता है, मतलब बहुत पीसफुल लगता है। इतना शोर था, इतनी भीड़ थी, पसीना गर्मी सारी चीजें, पर वो सब फील ही नहीं हो रहा था, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हम अंदर गए, हमने परिक्रमा की, हमने पूजा कराई पंडित जी से, नारियल लिया, प्रसाद लिया, और कुछ फुटेज भी रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा रहा आज का दिन हम सबका, और आई होप आप सबका दिन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज।